हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 2 फरवरी है और आज पीसी जनरल्स पे अपडेट लेके आया हूँ। ये बहुत दिन से एक ही जगह पे खड़ा है। तो कोई भी स्टॉक एक जगह पे खड़ा होता है तो या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है। अपने पैटर्न के अनुसार या तो वो ऊपर आएगा या तो नीचे जाएगा, या तो ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा या ऊपर नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा। बट इसके पैटर्न से लगता है कि ये एक बार नीचे की ट्राई कर रहा है और वापस एक बार जो 46 का लो बनाया था उसको पूरे टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है एक बार वापस अपने लो को टेस्ट करेगा, ऐसा फील हो रहा है कि वापस ही अपने 46 के लो को, क्योंकि आप कंटिन्यू देखेंगे जो चार्ट पे पैटर्न बन रहा है, ये देखिए कंटिन्यू एक लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। और एक आज से नहीं, ये यहाँ से आप कंटिन्यू मान के चलिए, लगभग आप इस पीरियड से ही बोल सकते हैं, इस पीरियड से ही ऊपर नीचे करके कांस्टेंट कुछ कर रहा है। जब एक बार यहाँ फॉल किया था और अभी इस पीरियड से लीजिए, मैंने 14 दिसंबर से कंटिन्यू एक ही रास्ते पे वो खड़ा है। अब अगर स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो लगभग इधर ही मिलेगा, एवरेज 75-77 के आसपास ये खड़ा है। और मुझे तो एक लोअर लो का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूं तो आप देखिएगा ये कैसा पाथ बना रहा है। आप खुद देखिए, एक स्लोपरी पाथ बना रहा है, लोअर की ओर, डाउन की ओर जा रहा है। इसका इसलिए अभी कंफर्मेशन नहीं है कि इसमें वॉल्यूम ट्रांजेक्शन चालू नहीं हुआ है। ये जब भी फॉल करता है ना तो यहां पर आपको 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का वॉल्यूम आपको चालू हो जाएगा। देखना चाहते हैं तो मैं आपको इसको दिखाता हूं, 1 मंथ का डाटा बताता हूं। देखिए यहाँ पे 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन चालू हुआ, यहाँ पे 1 करोड़ का हुआ, तो क्या किया, 83 के बाद 81 आया। यहाँ 1.5 करोड़ हुआ, 81 के बाद 81 और डाउन हुआ, 79 आया। फिर 81 से यहाँ पे 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ तो 79, 78, 74, 78 आया। फिर यहाँ पे 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ तो 76, 77, 75, 74, 73, 72 तक आया। और अभी 1 फरवरी को 60 लाख से, इससे 50 से 60 लाख का ट्रांजेक्शन नॉर्मल बात है। हाँ, 50 to 60 लाख का जो ट्रांजेक्शन होता है इस पर डेली होता है और उसमें 9 से 10% की डिलीवरी खेलते रहते हैं। लेकिन जिस समय आपको ये दिखा है कि इसमें 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन चालू हो गया यहाँ पे, जिस दिन भी दिखे, और उस दिन अगर आपका प्राइस ऊपर की ओर है तो बाई कर लीजिएगा और नीचे की ओर है तो सेल कर दीजिएगा। जिस दिन भी आपको ये, आप इसको एक चीज सिखाता हूं, आप इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में जिस दिन 1.5 करोड़ का ट्रांजेक्शन आपको दिखे ना और प्राइस अगर ऊपर की ओर जा रहा हो, आपको परमानेंट स्ट्रेटजी समझा देता हूं, आप इसमें ये फॉलो कीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। यहां पे 1.5 करोड़ दिखाए और यहां प्राइस ऊपर की ओर जाए, 71 के बाद 72-73 दिखाए, तो आप बाई कर लेना, ये एक बार ऊपर की ओर जाएगा। और लेवल हम चार्ट पे देख लेंगे। और जब ये मान लीजिए कि यहां के बाद 1.5 करोड़ के बाद नीचे जा रहा है, प्रीवियस डे से नीचे की ओर जा रहा है, तो आप नीचे कर लीजिएगा। तो मुझे क्या दिख रहा है कि एक बार ऐसा फील हो रहा है कि एक बार ये नीचे 46 को वापस टेस्ट करने की कोशिश करेगा तो ऊपर में आपको 75 का स्टॉप लॉस लगाना है। आज क्या चल रहा है, आज की जो प्राइस क्या है, आज 2 फरवरी को 71.55, सिर्फ आपको 3.5 रुपये का ऊपर की ओर स्टॉप लॉस लगाना है, सिर्फ 3.5 रुपये, और इसको शॉर्ट मार देना है, नीचे की ओर शॉर्ट रखना है, मैंने पुट की पोजीशन बनानी है। पुट इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि हो सकता है ये पुट गला भी दे, इन फ्यूचर शॉर्ट मारेंगे तो ज्यादा आपको बहुत बड़ा टेंशन नहीं रहेगा आपको। और अगर पुट की ओर देखें तो फरवरी के पुट की ओर ही पॉजिटिवनेस बन रहा है, 55 पे लोग बना रहे पोजिशन, एट द मनी 71 है, तो 70 पे आपको पुट 5 रुपये पे मिल रहा है, वहां पे बना रहे। अगर इसके इसके मैं डिटेल दिखा दूं, 80 वाला का आपको एक बार डिटेल दिखा देता हूं, तो ये देखेंगे 5 रुपये का हाई बनाया, 3.95 का लो बनाया, और जो इसका लॉट साइज है अभी अभी बढ़ के 6500 का लॉट साइज हो चुका है। ये जो पहले 1500 का हुआ करता था अभी 6500 का लॉट साइज हो चुका है। पीसी जेलर्स का लॉट साइज बढ़ चुका है, अब ये 6500 का लॉट साइज हो चुका है। तो ये चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, 6500 आप समझते हैं, 4 रुपया भी हुआ ऊपर स्टॉप लॉस तो 24000 चला जाएगा।
लेकिन ठीक है। आप अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, अगर आप सोचिए ये 60 का पुट ले लीजिए जो 1.60 पे मिल रहा है, अगर ये आप समझिए डूबता भी है तो आपका 6-7 हज़ार रुपये का जो 6300 × 160 कर लीजिए, इतना रुपए का लॉस होगा। मेरे को लगता है कि एक बार ये 45 की ओर दिखा देगा आपको, इस चार्ट पे बनता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस एक डाउन पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। यहां पे डेली चार्ट में भी मैं अगर देखूं इसको, तो यहां पे बिग बॉटम फॉर्मेशन हैमर टाइप का बिग फॉर्म किया, स्ट्रिक कम है, इससे भी ये फील हो रहा है कि एक बार बॉटम साइज में जाना चाहता है। अगर मैं वीकली पैटर्न की बात करूं तो ये देखिए ये कंटिन्यू फॉल हो रहा है, और एक बार तो इसके लो को टेस्ट करेगा, जो 60 का लो है ये कंफर्म टेस्ट करेगा एक बार। इसको टेस्ट करने के बाद अगर ये 48-46 वाला ये को टेस्ट करे तो अच्छी बात है, तो चाहे तो आप इसको बाई करें, और स्टॉप लॉस आपको जो लगा देना है, जो आपको 75 का बोला था, 74-40 और चाहें तो आप उसको, लेकिन नहीं 75 ही लगाइए आप इसको, 75 के स्टॉप लॉस से चाहें तो आप इसको एक बार शॉर्ट मार सकते हैं, ये नीचे की ओर आपको दिखा सकता है, ये आपका वीकली कैंडल है। और अगर मंथली कैंडल भी देखो तो मंथली कैंडल इनडिसिजिव जैसा चल रहा है, वो तो खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन यहां के बाद जो अब दिखाया था इंडिस, इस कैंडल के बाद जो अब दिखाया था, अब उससे नीचे की ओर फॉर्म करते हुए नीचे की ओर जा रहा है, तो कहीं पे भी पीसी जलोस में एक बार निगेटिव ट्रेंड दिख रहा है, वॉल्यूम न्यूट्रल है, चाहे तो आप कुछ मत कीजिए, जिस दिन यहां पे आपको 1.5 करोड़ का दिखे उस दिन का प्राइस पैटर्न चेक कीजिए और उस दिन आप फॉर्मेशन कीजिए, क्या करने का है। तो आज नहीं तो कल, इतना पूरा महीना भी चालू हुआ तो ये वेट नहीं करेगा, हो सकता है आपको ट्यूसडे वेडनेसडे से कितने तो यहां पे आप देखेंगे क्या किया इसने, 1 तारीख को 46 का लो बनाया, ओपन होता है ये 73 पे, हाई बनाता है 74 का, लो 70 का बनाता है, और 70 की लो ही जाता है। अगर वेटेड एवरेज प्राइस वॉल्यूम से भी देख ले एक बार, तो यहाँ पे भी 72 की जगह 71.55 बना रहा है, यहाँ पे भी लोअर साइड ही बनाने का पैटर्न है, सेंटीमेंट में बाइंग दिखा रहा है, डिलीवरी 15% आ रहा है, और अभी कोई खास चेंजेस इसमें है नहीं, कुछ भी खास प्राइस वगैरह फाइनेंशियल वगैरह को फाइनेंशियल देखेंगे आप, चाहे इसमें शेयर होल्डिंग कुछ भी आप देख लीजिए, कोई खास नहीं दिखेगा आपको। अभी दिसंबर का इसने अपडेट नहीं किया है, न्यूज भी नहीं आया है, डेप्ट 1000 करोड़ का है, कोई बात नहीं। सितंबर में तो थोड़ा बिजनेस खराब हुआ था, इस बार का बिजनेस कैसा था वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि खराब ही आएगा, सितंबर से भी हो सकता है खराब देखने को आपको मिले, और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, 48 को टच करेगा, और अगर आप इसको 6300 का अगर पुट लेके बैठे हैं, अगर आप ये 70 का पुट नहीं, किसका पुट बताया था मैंने आपको, 60 का पुट बताया था, जो कि आपको 1 रुपया 60 पैसे में मिल रहा है, 1.30 का लो है, तो आपको अगर 1.30 के आसपास से 1.60 में मिलता है अगर आप लेते हैं, यहाँ देखिए 65 पैसे का भी रिक्वायरमेंट है, 45-40 का भी कोई मांग रहा है, तो 60 के पुट में रिस्क लेकर के ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखिए 90% है, पुट में पोर्शन ज्यादा लोगों को लग रहा है नीचे की ओर, रिजल्ट खराब आएगा चांसेस है, हो सकता है कि आपको यहाँ पे पिटता हुआ ये दिखे और वापस हमने लो को टच करे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं ये किसी भी तरह से, ये देखिए ये जो पैटर्न है, यहाँ पे 75 तो बता दिए, अब ये देखिए इस लेवल को तोड़ता है, 70 के लेवल को तोड़ता है मेरे अंदाज से, तो एक बेस को, ये जो प्रीवियस ट्रेंड को है, इस ट्रेंड को तोड़ेगा, तोड़ के आएगा तो एक नीचे वाले ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करेगा, फिर यहाँ पे इसका जो ट्रेंड है 64-65 तक यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा, और फिर उसके बाद और एक नीचे वहां पे ट्रेंड तोड़ेगा, तो फिर नीचे की ओर आकर के यहाँ पे 60 पे लेगा धीरे धीरे,
लेकिन अल्टीमेटली जो इसको लेना है, जो 48-46 बनाए हैं, वहां पे जाके ये एक बार ब्रेक दिखा सकता है, वॉल्यूम के साथ दिखा सकता है। तो मेरे अंदर से फ्यूचर में शॉर्ट मारना इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, रेदर देन इसका पुट कॉल लेने से फायदा नहीं है, दिखता है। तो जो भी करे, 6300 का लॉट है, ये सारे एजुकेशन पर्पज से हैं। मार्केट में कोई भी पोजीशन आप अपने एडवाइजर से पूछ के बनाएंगे। पीसी ज्वेलर्स निगेटिव ओपिनियन है, अभी मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, लेकिन वॉल्यूम पे खास खास ध्यान देंगे। जब तक यहाँ 1.5 करोड़ का वॉल्यूम नहीं होता है, पोजीशन आप नहीं भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन 1.5 करोड़ 2 करोड़ का वॉल्यूम आपको दिखे, उस दिन आप बनाना चालू कीजिए। वो कंटिन्यू 3 से 4 दिन फॉलो करता है, तो 3 दिन में आपको 2 दिन में निकल जाना है, आपको इसके साथ 4 दिन फॉलो नहीं करना है। डिलीवरी परसेंटेज वही उसका थोड़ा बढ़ के दिख रहा है, 17% 15%। लोगों को ये फील है कि एक बार वापस 90 दिखाएगा, दिखाएगा, एक बार नीचे तो अभी जाएगा, क्योंकि इसको अगर ऊपर रहना था तो 71 के पास वापस टेस्टिंग करने के लिए नहीं आना था इसको, तो वापस टेस्ट करने आ रहा है। इसका मतलब ये वापस अपने पेंडुलम को टेस्ट करते हुए 46 को भी टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। और मेरा ऐसा बिलीव है कि एक बार तो ये जरूर 45-46 को टच करेगा, ऊपर जाने से पहले एक बार टच करके ही जाएगा, और ये 100 नहीं, 200 नहीं, 500% की गारंटी है कि ये टच करके ही ऊपर लेना है इसको, किसी भी पैटर्न पे अभी। क्योंकि आप देखिए, आप खुद जब स्लोप, इसके स्लोप को देखिए, बहुत अच्छा स्लोप दिखता है। जब आप इसके स्लोप को देखेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा। ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहां से ऊपर का पैटर्न तो कम दिख रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। थोड़ा सा रिकवरी लेने से क्या होता है, स्लोप है ना, ये डाउनवर्ड स्लोप दिख रहा है ना आपको। अगर मैं इसमें स्लोप कोशिश करूंगा अगर लाइन खींचने का, तो ये देखिए डाउन लाइन जा रहा है यहाँ पे, ये डाउनवर्ड की तरफ लाइन जा रहा है, और आपको तो आपको स्लोप वर्टिकल तो है नहीं है। अगर मैं इसके लास्ट पोजीशन को यहां पे पकड़ूं और इस पोजीशन को जो था यहां पे अप लूं, आप खुद इस एंगल को सोचिए, ये क्या कर रहा था। ये क्या बना रहा है, तो इसको इस स्लोप से देखने को लग रहा है कि एक बार नीचे जाने को एकदम तंदुरुस्ती के साथ तैयार है, कि चलो एक बार तंदुरुस्ती के साथ जाके मजा मस्ती करके आते हैं। तो जाने दीजिए इसे, वेट करने दीजिए। और अगर ये किसी भी हालत में अगर आपको बाइंग पोजीशन है, तो एक बार इस लेवल को, 70 के लेवल को वाच रखिएगा। अगर 70 ये लेवल को ब्रेक करके नीचे की ओर जाता है, तो चांसेस है ऑलरेडी ये इस पैटर्न, इसको तो तोड़ चुका है, और ऊपर 75 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एक बार ऊपर जाता है, इसको क्रॉस करता है, 75 को क्रॉस करता है, तो ऊपर की ओर भी एक बार टेस्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे चाहे वैसे पोजीशन अपनी बनाए मार्केट में, अपने एडवाइजर से बात करके। आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी 2019। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।